हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको सुबह सुबह भयंकर तूफान का सामना करना पड़ सकता है और आपको अब संभलने का वक्त भी आ चुका है। मित्रों, जब से ये महीना प्रारंभ हुआ है, आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख तकलीफों को आप झेल चुके होंगे और कई प्रकार के मुसीबतों से भी आप घिर चुके होंगे। तो मित्रों, अब आपके संभलने का वक्त भी आ चुका है। आपको अपने जीवन में कितनी भी समस्याएं हैं, कितने भी प्रकार के दुख तकलीफें हैं, उन सभी को आप दूर करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेंगे। मित्रों, आपको बताएंगे किस प्रकार से आपके दुखों का अंत होगा और किस प्रकार से आपके ऊपर देवी माँ की कृपा बनी रहेंगी। आपके घर में सुख समृद्धियां किस प्रकार से निवास करने वाली हैं। आपको बताएंगे कि सुबह ऐसा क्या होगा जिनसे कि आपको भयंकर तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छा लगे, अगर आपके जीवन में हल्का सा भी आपको मुनाफा हो, लाभ मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी बातें झूठी निकले या फिर हमारी बातें असफल हो, हमारे बातों से अगर आपको लाभ ना हो, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। परंतु आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जब सुबह होगा, आपके जीवन में जो क्रियाकलाप होने वाले हैं, जो देवी माँ आपको संकेत दे रही हैं जिनसे आपको लाभ हो सके, उनके बारे में आपको सही जानकारियां प्राप्त हो सकें और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर माता रानी की कृपा रहेंगे, जिनसे आपको चारों तरफ से लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रभावशाली लोगों के साथ उठना बैठना आपका लगा रहेगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके पक्ष में रहेंगे। करियर, संपत्ति और धन लाभ मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आपको सफलता के नए अवसर हाथ लग सकते हैं। आपका मन कामकाज में लगेगा। धन के मामलों में आपका समय महंगा रह सकता है। आप खुद पर बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं और इन्हीं खर्चों की वजह से आपको आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के अवश्य कोशिश करें और इन्हीं कारणों से आपको कई प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में सुख शांति और वैभव धन दौलत की प्राप्ति होंगे। आपके परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह का योग बन रहा है। मित्रों, आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में या फिर आपको सिंगल जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, तो उनसे आपको छुटकारा अवश्य मिलेंगे। मित्रों, अगर आप अविवाहित हैं और काफी लंबे समय से विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य उम्र हो चुकी हैं, तो मित्रों आपको इस संदर्भ में बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। आपके विवाह तय हो सकता है। मित्रों, पैसों के मामलों में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आप कोई नई चीजों को सीख सकोगे। दूसरे लोगों की सलाह फायदेमंद होंगे। नए लोगों से मुलाकात आपको फायदा दिला सकते हैं। आप किसी सादे समारोह पार्टी में शामिल हो सकोगे। जीवन साथी का सहयोग और प्रेम बना रहेंगे। आपको आपके सभी तरह के कर्जों से छुटकारा मिल सकता है। आपके लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ रहेंगे और आपको प्रेमी की तरफ से मानसिक सुकून, शारीरिक सुकून प्राप्त होंगे। आप जिस पार्टनर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसी से शादी होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपके विवाह में आ रही दुख तकलीफें दूर होंगे। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले लोगों को इन दिनों में सच्चे प्यार की प्राप्ति होंगे। आपको सच्चे प्यार के अवश्य प्राप्ति होंगे। कई प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेमी की तरफ से आपको काफी अच्छे और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होंगे। आपके किस्मत चमकने वाली हैं। आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ेंगे। आप अपनी अलग पहचान स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त होंगे। आर्थिक तौर पर आप मजबूती को प्राप्त
प्राप्त करोगे, आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बने रहेंगे। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आर्थिक तौर पर आप मजबूती को प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास आस पड़ोस में शादी या समारोह में जाने का इनविटेशन आ सकता है। आपको नए कार्यों को शुरुआत करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए आने वाला समय बहुत ही उचित रहेंगे। आपको अपने कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उसके पश्चात आपको आपका सच्चा प्यार हासिल होंगे। अचानक आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होंगे जो आपका जीवन साथी बन सकता है। महाकाल की दया दृष्टि से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकोगे। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होंगे। चारों तरफ से आपको सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगे। कम मेहनत करके भी बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकोगे। धन से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेंगे और आप जिस किसी कार्य को करने के लिए आप कई सालों से कोशिश कर रहे थे उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेंगे और मिथुन राशि वाले जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता मिलेंगे। विद्यार्थी अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगी और अपने सहपाठियों के बीच अपनी एक अलग पहचान अलग छवि बना सकते हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगे। आपके किस्मत चमकने वाली है। क्रोध पर नियंत्रण रखने के आवश्यकता रहेंगे। आपके मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगे। आप अपने दैनिक जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकोगे और आपको अपने जीवन में अपार सफलताओं को अर्जित करने में कामयाबी मिलेंगे। मित्रों, आप मददगार साबित होंगे। आप अपने जीवन में अपने दिल से काफी स्नेही रहेंगे। जितना आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करिए कार्य करेंगे उतने ही तेजी से आप प्रगति भी करोगे। व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगे और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। क्रोध में आकर किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण फैसला न करें। सोच समझकर आगे बढ़ने से आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख तकलीफें कष्टों का निवारण होंगे। आपको आपका सच्चा प्यार अवश्य मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सबसे पहले सबसे अधिक रहेंगे। आप अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत कर सकोगे। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने के आवश्यकता रहेंगे। बार बार लगातार किया गया प्रयास आपके लिए आनंददायक रहेगा। आपको अपने जीवन में नई खुशखबरी मिल सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने होंगे। अचानक आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। लव लाइफ के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास शुभ रहेंगे। आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिल सकती है। ये आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इनसे आपको वित्तीय लाभ उठाने के मौके मिलेंगे। इनसे आपको भविष्य में कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। आप कई प्रकार के अच्छे मूड में बने रहेंगे। मित्रों, आप भावुकता और प्रेम से ओतप्रोत रह सकते हैं। आपको अपने साथी के साथ बहुत से गहन बंधन में संबंध में जुड़ने के मौके मिलेंगे। आप किसी कार्य को अच्छी तरह से करने में काफी अच्छा और गर्व भी महसूस कर सकते हैं। यह समय आपके लिए आपके वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको दी जा सकती हैं जो आपके करियर के प्रगति के लिए नए दरवाजे को आयाम को खोल सकेंगे। आपके आय में वृद्धि होंगे। आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने के आवश्यकता रहेंगे। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके आपके जीवन में आपके लव लाइफ में आपका समय बहुत ही खुश रहेंगे। लव लाइफ के मामलों में किए गए प्रयास सफल रहेंगे और मिथुन राशि वाले लोगों को इन दिनों में सच्चा प्यार मिल सकेंगे। आपका कारोबार दुगुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको हर तरफ से प्यार ही प्यार फैलाने के मौके मिलेंगे। सफलता हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लव लाइफ के मामलों में आप काफी ज्यादा सफलता को हासिल करेंगे। आपके परिवार में सुख समृद्धि रुपए पैसे लगातार बने रहेंगे। इनकम के क्षेत्र
क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं, वाहनों को सावधानी पूर्वक चलाने के आवश्यकता रहेंगे। आपको आपके जीवन में सफलता को प्राप्त करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपको चारों तरफ से धन का लाभ होंगे तथा आपके लिए अच्छे घराने से नए रिश्ते आने के योग हैं। अचानक घर में मेहमानों का आगमन होंगे जिनसे घर परिवार की खुशियां दुगनी होंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही बाधाएं दूर होंगे। बिजनेस के सभी क्षेत्रों में आपको नए ऑफर मिल सकते हैं। धन संबंधित मामलों को सही समय पर निपटाना आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में परिश्रम के अनुरूप तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ोगे। व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र नई उन्नतियों को हासिल करने के मौके मिलेंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।